फिर आप लोग साथ ही काम रहते हो। जो भी है ये रक्त बीज उसे माता तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगी मैं। जगत जननी रक्त बीज मुझे ज्ञात अपने भीतर उम्र अंतर्द्वंद के किस बवंडर से जूझ रहे हो तुम? असुर महानायक शुभ के सेनापति के रूप में आपसे युद्ध करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ। आप अपना दायित्व निभा रही हैं जगत जननी, और मैं भी अपना दायित्व निभाने यहाँ आया हूँ। मैं एक योद्धा हूँ, और एक योद्धा को अपने जय की आस वो भले ही कितनी क्षीण क्यों ना हो कभी नहीं त्यागनी चाहिए। रक्तबीज तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम उसका पालन करो। आज्ञा दीजिए देवी कौशिकी, वो आपसे युद्ध करने आया है, किंतु उसके पूर्व उसे मुझे बात कर आगे बढ़ना होगा। युद्ध करो मुझसे। मैं आपसे नहीं देवी कौशिकी से युद्ध करने आया हूँ। देवी कौशिकी तक पहुँचने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें मुझसे आगे बढ़ना होगा, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। युद्ध तो मैं मात्र देवी कौशिकी से ही करूँगा। आप जाएं और उन्हें युद्ध के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। मुझे आदेश देने का प्रयास कर रहे हो तुम? सरल नहीं है मेरा अंत। Yeah!
कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाकाली, क्योंकि आप तो मेरी सेना की निरंतर उत्पन्न होने का उपाय कर चुकी हैं। माता, मुझे इन असुरों से युद्ध करने की अनुमति दीजिए। कैसे करूं? रक्त बीज, अब तुम्हारे रक्त का पान करूंगी मैं। बहुत बड़ी मूर्खता की है तुमने। माता आदि शक्ति की शक्ति से परिचित होने पर भी तुम शूंक के कुचक्र में फंस गए। अपनी माता के सम्मान के लिए तुम जगत जननी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। इतना भी विचार नहीं किया कि वो तो सभी की माता है, तुम्हारी माँ की भी। ये युद्ध सर्वथा अनुचित था। भक्त नहीं, भीरू हो तुम। भक्ति के कारण नहीं, भय के कारण जगत जननी का सम्मान करते रहे। और फिर जब तुमने ये समझा कि माता की ही शक्ति सभी जीवों में समाहित है, तो अपनी दूरतापूर्ण कुतर्क से तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शक्ति उनके समान है? फिर देवी कात्यायनी द्वारा महिषासुर वध को भूल कर तुम इस युद्ध में अपनी सफलता की कल्पना करने लगे। अधर्मी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसका सर्वनाश निश्चित है। मैं तुम्हारा भक्षण कर पान करूंगी तुम्हारा।
तेजस्विनी रक्तारा हरे सखी सिर्फ एक ही उपाय शेष है प्रिय।